हेलो फ्रेंड्स, आंसर्स क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलीदा लड्डू। इसे हम गेहूं के आटे से तैयार करेंगे। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी है। अगर आपके पास रागी का आटा है तो आप रागी के आटे से भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 2 गुड़ थे जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 चम्मच देसी घी, 3 से 4 चम्मच काजू पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है गार्निशिंग के लिए। मैं गैस पे एक बर्तन रखा है, उसमें आधा कप पानी रखा है। इस पानी से हमें अपने आटे को अच्छे से गूंदना है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। ये देखिए हमारा पानी में उबाल आ रहा है। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। देखिए हमारे पानी में फिर से उबाल आ रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गैस से उतार लेंगे। अब हम इसमें आटे को धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे पानी में। हमें आटे का एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। ये देखिए हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने 10 मिनट के लिए रखा था। हमारा आटा अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये मैंने तेल लिया है थोड़ा सा, उसे अपने हाथे को ग्रीस करके और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी रोटी है बहुत ही सॉफ्ट और फुली हुई बने। ये देखिए हमने आटा का डो रेडी कर लिया है। अब हम इसकी छोटे से हिस्से को लेके गोलाकार देंगे। इसे हमने ऐसे डस्टिंग करना है सूखे आटे में। डस्ट कर लिया है हमने। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। इस तरह से उलट पलट कर हमें अच्छे से रोटी बेल बना लेनी है। ये मैंने एक तवा रखा था गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो चुका है। अब उसमें हम रोटी डाल के सेक रहे हैं। रोटी को हमें उलट पलट कर अच्छे से चारों दोनों ही तरफ से सेक लेनी है। ये देखिए हमें इसे अच्छे से फुलाकर अच्छे तरह से पूरी करारी से रोटी सेक लेनी है। हमारी रोटी सीख चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारी रोटियों को बनाकर और ठंडा कर लेना है। ये मैंने 5 रोटियां रेडी की हैं और इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। इस तरह से हम इसे बांट देंगे। अब हमने मिक्सर का एक जार लेना है, इसमें हम रोटियों को डालेंगे। हम इसमें 1 चम्मच देसी घी और हमें इन रोटियों का एक पाउडर बना लेना है। ये देखिए मैंने एक पाउडर रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। काजू पाउडर, इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर और ये हमारा जो गुड़ है इसे डालकर और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हम इसे जितना मिक्स करते जाएंगे हमारा जो गुड़ है सॉफ्ट होते जाएगा और अच्छे से मिल जाएगा सॉफ्ट हो। ये देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट होकर रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे हिस्से लेकर गोल आकार देंगे।
इसी तरह सारे को गोल गोल बनाकर लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे लड्डू को तैयार कर लिया। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।